लेवल लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया जाएगा। इसके तहत उन्होंने ये भी बताया था कि 20 अप्रैल तक देश के हर शहर हर जिले का इवैल्यूएशन किया जाएगा और किस डिस्ट्रिक्ट और किस रीजन में केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, केसेस कैसे मैनेज हो रहे हैं, उसका एक इवैल्यूएशन किया जाएगा। उस संबंध में उन्होंने कहा था कि इवैल्यूएशन करते हुए एक डिटेल्ड गाइडलाइंस आज इशू की जाएंगी, जिसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक डिटेल्ड डायरेक्शन आज स्टेट्स को जारी की है। उसमें हमने स्टेट से स्पेसिफिकली कहा है कि हमें इस लॉकडाउन की अवधि का सदुपयोग करना है। अब तक हमें जो सफलता कोविड मैनेजमेंट के स्प्रेड को मैनेज करने में मिली है, उसको हमें फर्दर कंसोलिडेट करना है। इसके तहत देश के हर जिले, उसको हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स, नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स लेकिन वहाँ पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और ग्रीन जोन डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर की कोई केसेस नहीं आए हैं उसमें बांटा गया है। हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट का मुख्य क्राइटेरिया है वह जिले जहाँ पर या तो ज़्यादा केसेज आ रहे हैं या रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ केसेस ज़्यादा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो डबलिंग रेट ऑफ केसेस वहाँ पर कम है। आज उसी संबंध में कैबिनेट सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में सभी स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज, डीजीपीज, हेल्थ सेक्रेटरीज, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स और चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के साथ एक डिटेल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस ली गई थी, जिसमें हमने मुख्यतः उन्हें हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी से रिलेटेड डिटेल बताते हुए कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज फील्ड लेवल पर कैसे इंप्लीमेंट करनी है उसके बारे में फिर से एक ओरिएंटेशन एक्सरसाइज की है। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्हें लार्ज कंटेनमेंट आउटब्रेक स्ट्रैटेजीज, लार्ज आउटब्रेक कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज और क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में डिटेल में बताया है। उस स्ट्रैटेजी के संबंध में कैसे कंटेनमेंट जोन, कैसे बफर जोन को डिलीनेट करना है उसके बारे में बताया गया। कंटेनमेंट जोन में किस तरीके से प्रॉपर पैरामीटर मैपिंग, क्लियर एग्जिट और एंट्री पॉइंट डिफाइन किए जाएं, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। वहां पर जो हमारी कंटेनमेंट जोन होगी, एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज, बाकी कोई भी मूवमेंट और एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में स्पेशल टीम्स के द्वारा केसेस की एक एक्टिव सर्च की जाएगी। वहां पर सैंपलिंग क्राइटेरिया के तहत सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे और उन सैंपल्स की टेस्टिंग की जाएगी। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर के एरिया को, जिसको हम बफर जोन कहेंगे, वहां पर भी सभी हेल्थ फैसिलिटीज, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उनको ओरिएंट किया जाएगा और वहां पर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या सीवियर रेस्पिरेटरी एक्यूट सिंड्रम, जो उस टाइप के ब्रेथलेसनेस रिलेटेड केसेज होंगे, उनकी भी टेस्टिंग की जाएगी। हमारी तैयार की गई ये स्पेशल टीम्स जो कि कंटेनमेंट जोन में काम करेंगी, वे सभी कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करेंगी और साथ ही हाउस टू हाउस विजिट भी करेंगी। इस टीम्स में हेल्थ स्टाफ के अलावा लोकल रेवेन्यू स्टाफ, लोकल कॉरपोरेशन स्टाफ और साथ ही जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जैसे कि रेड क्रॉस, NSS, नेहरू युवा केंद्र, उन सब वॉलंटियर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हाउस टू हाउस सर्वे के द्वारा हम उस केस में, उस एरिया में जिसमें भी सर्वे होगा कंटेमिनेट एरिया में, उसमें फीवर, कफ और ब्रेथलेसनेस से रिलेटेड केसेस को आइडेंटिफाई करते हुए उन पर एज पर प्रोटोकॉल एक्शन लेंगे। साथ ही डेली इवनिंग जो भी डेटा फील्ड सर्वे के हिसाब से आएगा, उसको जिला स्थाई पर आइडेंटिफाई करते हुए फोकस एरियाज ऑफ इंटरवेंशन बनाए जाएंगे और उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। इस कार्य में हेल्थ स्टाफ, रेवेन्यू स्टाफ के अलावा जिला स्तर पर कभी काम करने वाले सभी डिपार्टमेंट के स्टाफ को ओरिएंट किया जाएगा, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। एज आई मेंशनड अर्लियर, हमारा रिस्पॉन्स कोविड के संबंध में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच रहा है। इसके साथ ही जिलों को बताया गया है कि वे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाएं, माइल्ड केसेस के लिए कोविड केयर सेंटर्स, सीवियर केसेस के लिए जिसमें ऑक्सीजन सपोर्ट फैसिलिटी उपलब्ध हो उसके लिए कोविड हेल्थ सेंटर्स, और क्रिटिकल केसेस जहां पर वेंटिलेटरी सपोर्ट भी उपलब्ध हो उसके लिए कोविड हॉस्पिटल्स बनाए जाएं। हमने उनको स्पेशली क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ पॉजिटिव केसेस के बारे में फोकस करने के लिए कहा है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन और प्रॉपर क्लिनिकल मैनेजमेंट इज एक्चुअली ए मेजर की इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव पेशेंट मैनेजमेंट। हमने उनसे कहा है कि एम्स की जो कॉल सेंटर को हमने बनाया है उसका इस्तेमाल करते हुए पेशेंट का क्लिनिकल मैनेजमेंट एज पर प्रोटोकॉल हो और
पूरा यत्न किया जाए कि कोई भी पेशेंट, कोई भी केस हमारा फेटेलिटी में कन्वर्ट ना हो। हर केस को जिला स्तर पर, सीनियर स्थाई पर डे टू डे क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए मॉनिटर किया जाए। जिले को फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन, जैसे कि जो हमारे रिस्क केसेस होते हैं उनके लिए HCQ हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन के अलावा नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस के रूप में सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग एटिकेट्स को भी प्रमोट करने के लिए कहा गया है। जिलों को स्पेशली कहा गया है कि जो भी हेल्थ स्टाफ या जो वॉलंटियर इस कार्य में जुड़े हैं उन सबको प्रॉपरली ओरिएंट किया जाए, उनको इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जाए और रेलेवेंट स्टाफ को क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाए। इसमें उनसे ये भी कहा गया है कि हमें केसेस के आने की वेट नहीं करनी है, हमें टीम्स पहले से बना के उनको ओरिएंट कर रेडी रखना है। उनसे कहा गया है कि इसके लिए संबंधित ऑनलाइन ट्रेनिंग मटेरियल iGOT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल किया जाए। जो जिले आज केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हॉटस्पॉट की कैटेगरी में नहीं आते हैं उन पर भी उसी मोमेंटम और उसी अटेंशन से काम करने की जरूरत है। ये हमारे पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं, वहां पर भी क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान के हिसाब से कार्य किया जाए। हाँ, वहां पर भी हमारा फोकस हो कि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, सर्वेलेंस करें, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर ध्यान दें ताकि इन इलाकों में भी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक कर सकें। साथ ही जो हमारे नॉन इफेक्टेड जिले हैं वो नॉन इफेक्टेड ही रहें, उन पर कार्य करने की जरूरत है। वहां पर हमें कम्युनिटी से एंगेज करते हुए अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करना है, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी बनाने हैं और उनके साथ ही ILI दैट इज इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस की मॉनिटरिंग करनी है, उनसे रिलेटेड टेस्टिंग करनी है। हमारा एफर्ट रहे कि इन जिलों में कभी भी कोई केस ना आए, हमें ये सारे कार्य कम्युनिटी को जोड़ते हुए, कम्युनिटी को साथ लेते हुए करना है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी आप सबको कहा है, रिक्वेस्ट की है कि हमारे पूरे एफर्ट्स शुरू से ही समाज और संपूर्ण सरकार को मिलकर कार्य करने से रहे हैं। हमें सभी जिलों को कहा है कि वो एक जिले लेवल पर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान फॉर COVID-19 बनाएं। जिलों को कहा गया है कि एक की फेलियर पूरे देश की फेलियर का कारण हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि कंटेनमेंट प्लान पूरे देश में हर जिले में यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट हो। सबकी इंडिविजुअल सक्सेस ही देश की सक्सेस का कारण बनेगी। हमें कॉन्स्टेंटली अलर्ट पर रहना है और हर तरीके से इस बैटल में सक्सेसफुल होना है। धन्यवाद। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द MHA प्लीज। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री अग्रवाल ने आपको सूचित किया है, कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी का देश के प्रति संबोधन था उसमें दो अहम बातें कही गई थी। पहली ये कि जो लॉकडाउन पूरे देश में है उसकी अवधि बढ़ा के 3 मई तक करी जा रही है, और दूसरी बात ये थी कि देश के हर क्षेत्र को, चाहे वो कस्बा हो, चाहे पुलिस थाना हो, चाहे जिला हो, इन सभी क्षेत्रों में लॉकडाउन का क्रियान्वयन कैसा हुआ है उस पर उसकी एक समीक्षा की जाएगी, और जो क्षेत्र इस पे खरे उतरेंगे और जो संक्रमण की दृष्टि से और अन्य प्रकार से संवेदनशील नहीं होंगे, जो हॉटस्पॉट्स नहीं होंगे जैसा कि अग्रवाल, मिस्टर अग्रवाल ने बताया, उन क्षेत्रों में 20 अप्रैल से कुछ राहतें दी जाएंगी, कुछ गतिविधियों में कुछ छूट दी जाएगी। तो और इस बात से ये भी साफ था कि 20 अप्रैल तक कम से कम जो अभी के गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश हैं, जो 24 मार्च के आदेश के तहत जारी किए गए हैं, वही लागू रहेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के इन दिशा निर्देशों के अनुरूप गृह मंत्रालय ने कल एक आदेश पारित किया और उस आदेश के तहत जो लॉकडाउन है उसको 3 मई तक उसको बढ़ाया गया। आज गृह मंत्रालय ने एक और आदेश पारित किया है जहां ये कहा गया है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जो हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन्स नहीं हैं, जो संवेदनशील नहीं हैं, वहां कुछ जो जरूरी गतिविधियां हैं उनमें कुछ राहतें दी गई हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये राहतें उन्हीं क्षेत्रों में हैं जो हॉटस्पॉट्स नहीं हैं, और इनकी दो अलग शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि जो भी लॉकडाउन की के दिशा निर्देश हैं वो उनकी कड़ी अनुपालना होनी होगी इन क्षेत्रों में,
और जो भी गतिविधियां हैं जिनमें राहतें दी जा रही हैं उनको क्रियान्वित करने से पहले सोशल डिस्टेंसिंग की दृष्टि से कुछ प्रारंभिक कार्यों को लागू वहां पे करना आवश्यक है। तो ये एक आदेश आज जारी हुआ है गृह मंत्रालय द्वारा, और इसी आदेश के साथ एक कंसोलिडेटेड रिवाइज गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, जिनके तहत ये बताया गया है कि परमिटेड गतिविधियां क्या क्या हैं उनका उल्लेख किया गया है। और उल्लेख करने के साथ साथ दो बहुत जरूरी चीजें इन गाइडलाइंस में कही गई हैं। पहला तो जितने भी जिला अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट हैं भारत के, उन सभी को कहा गया है कि जो नेशनल कोविड डायरेक्शंस हैं, राष्ट्रीय कोविड निर्देश हैं, जैसे कि मास्क पहनना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य है, 5 से अधिक लोगों की के समूह में इकट्ठा होना वर्जित है, इस तरह के जो नेशनल कोविड डायरेक्शंस हैं उनकी अनुपालना सख्ती से होगी, उसका अगर कोई उल्लंघन होता है तो उस पर पेनल्टी जारी की जाएगी, एक ये बात की कही गई है इन गाइडलाइंस में। और दूसरी बात ये कही गई है कि जितने भी औद्योगिक या वाणिज्यिक या और भी कार्य स्थल हैं, वर्क प्लेसेस हैं, वहाँ पे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल SOP जो सोशल डिस्टेंसिंग की दृष्टि से बनाया गया है और जो इन गाइडलाइंस के साथ संलग्न है, उसकी अनुपालना होना आवश्यक है। तो जो ये आज गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है, इसका जो सार है वो ये है कि जो लॉकडाउन है वो जारी रहेगा। लॉकडाउन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए किसी के मन में कि लॉकडाउन जारी नहीं है, लॉकडाउन जारी रहेगा। और लॉकडाउन जारी के रहने के साथ साथ कुछ इस तरह के कोविड डायरेक्शंस हैं या SOPs हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से, संक्रमण से अपने को बचाने की दृष्टि से, जैसा कि गृह मंत्रालय के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि लार्ज आउटब्रेक्स को कंटेन करने की दृष्टि से जो जरूरी हैं उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया गया है। अब मैं आता हूँ कि क्या ऐसी गतिविधियाँ हैं, क्या ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ राहतें दी गई हैं। तो इसमें प्रमुख है ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट टू द रूरल इकोनॉमी। इस दृष्टि से सर्वप्रथम जो मनरेगा में काम करना चाहते हैं, ग्रामीण इलाकों में जो भी मजदूर हैं जो मनरेगा के कामों में संलग्न होना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, उन सभी को अब एक रास्ता मिलेगा सम्मिलित होने का। लेकिन इसमें भी ये शर्त है कि उनको मास्क पहनने होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग उनको ऑब्जर्व रखनी होगी, लेकिन मनरेगा के काम में, मनरेगा के तहत जो है वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज अब अवेलेबल होंगी। और इसी के साथ साथ ये भी जोर दिया गया है कि जो मनरेगा के काम हैं उसमें ज़्यादा प्राथमिकता, ज़्यादा प्रायोरिटी जो सिंचाई के काम हैं, जो जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन के काम हैं, उसमें देनी चाहिए, उसमें देनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि जो कृषि क्षेत्र है, जो हमारी पहले के गाइडलाइंस थी उसमें भी लगभग हमने पूरे कृषि क्षेत्र को खोला हुआ था। कृषि क्षेत्र में जितनी भी गतिविधियां हैं उसमें जो भी लोग संलग्न हैं, जो भी कर रहे हैं वो कर सकते हैं, ये इस तरह के दिशा निर्देश थे। उन्हीं को हमने फिर से रिपीट किया है, और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि प्रोक्योरमेंट और मार्केटिंग का जितना भी डिसेंट्रलाइजेशन हो सके, जितना भी विकेंद्रीकरण हो सके, उतना स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वो करें, जिससे कि किसानों को जो खेती करते हैं उन सभी लोगों को अपने विपणन में या खरीद में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इसके अलावा पशुपालन, मछली पालन, बागवानी के पूरे इकोसिस्टम में भी लोगों को काम करने की अब अनुमति मिलेगी, और विशेषतः मैं कहना चाहूँगा कि एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन में जो जितनी भी गतिविधियाँ हैं, जो सप्लाई चेन्स हैं, उसमें अब काम किया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में जो रूरल इंडस्ट्रीज हैं, जो ऐसे उद्योग हैं जो ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं, यानी कि जो म्यूनिसिपल बाउंड्रीज के बाहर हैं, उनमें भी अब काम करने की छूट है, लोग बाग वो सब काम कर सकते हैं। और इसमें फूड प्रोसेसिंग पे बल दिया गया है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो हैं उनको, उनमें अब काम करने की उनको अनुमति है।
कॉमन सर्विस सेंटर्स कई हैं ग्रामीण इलाकों में जहां से लोग बाग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जो बिल इत्यादि हैं उनका भुगतान कर सकते हैं, उनको भी अब चालू रखा जा सकता है। स्वास्थ्य का जो सारा हेल्थ का जो सारा इकोसिस्टम है वो चालू है, उसमें कोई भी गतिविधि नहीं है जिस पर कोई रोक है, और ये बहुत अहम है इस आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम पूरा देश जो है संक्रमण के अगेंस्ट जो है ये लड़ाई लड़ रहा है। तो इसको भी हमने इन गाइडलाइंस में इस चीज़ को भी स्ट्रेस किया है। जो एसेंशियल गुड्स हैं, आवश्यक सामग्री हैं, उनकी भी जो सप्लाई चेन है या जो दुकानें हैं, जो किराना की दुकानें हैं, जो नेबरहुड्स की जो दुकानें हैं वो खुली रह सकती हैं या एसेंशियल गुड्स बेच सकती हैं, जिससे कि आम नागरिकों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो ये मैंने आपको बताया संक्षिप्त में कि जो हमारी आज की गाइडलाइन इशू हुई हैं उनके पीछे उद्देश्य क्या है, उसमें हमने क्या शर्तें रखी हैं, क्या हमारा ओवरराइडिंग ऑब्जेक्टिव है कि जो संक्रमण के दृष्टि से जो सेफ्टी या जो सुरक्षा की ज़रूरतें हैं उनको किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और कुछ जो अहम गतिविधियां हैं जिसमें राहतें दी गई हैं उसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया है। धन्यवाद। ऑनलाइन क्वेश्चन है फॉर ICMR। हैज इट बीन नाउ फाइनलाइज्ड दैट द नोवेल कोरोना वायरस ओरिजिनेटेड ड्यू टू बैट्स ओनली? व्हाट इज द लेटेस्ट रिपोर्ट अबाउट इट्स ओरिजिन दैट स्प्रेड दिस पैंडेमिक? ये जो कोरोना वायरस होता है ये बैट्स के अंदर भी पाया जाता है। चाइना में जो भी रिसर्च हुआ उसमें एक चीज़ का पता चला कि जो वायरस हम लोगों में आया है वो या तो बैट्स में का वायरस ऐसे म्यूटेशंस डेवलप हुए जिससे वो इंसान के अंदर भी जाने की क्षमता रखता होगा और बीमारी करता होगा, उस किस्म का विषाणु बन गया और आया, नहीं तो दूसरा एक कहा जाता है कि ये बैट से पैंगोलिन करके एक मैमल है इंसान के वैसे उसके अंदर आया होगा और वहां से वो इंसान में आया होगा। जैसे खाना हुआ, रिलीफ कैंप्स को सेटअप करने की बात हुई या और कुछ सुविधाएं जो आवश्यक हैं उनको देने की बात है, वो सब उसमें हमने अलाउ की हुई हैं। तो हमारा यही मानना है कि जिस तरह से ये सारा रिलीफ कैंप्स का संचालन अभी तक चल रहा है ये उसी प्रकार से ये चलेगा, इसको चलना चाहिए, और इसके लिए जो भी संसाधन आवश्यक हैं उनकी पहले ही उनकी व्यवस्था कर दी गई है। यदि और भी कोई आवश्यकता होगी तो समय समय पे उसकी समीक्षा होगी और राज्यों को यूनियन टेरिटरीज को जो मदद चाहिए वो पहुंचाई जाएगी। मिस्टर पेरिमल NDTV। और जो डेथ का परसेंटेज है उससे कंपेयर करते हुए अगर देखेंगे तो रिकवरी रेट का परसेंटेज क्या है और क्या हम अच्छी स्थिति की ओर जा रहे हैं? सर, जैसे मैं आपको हमेशा से बताता रहा हूँ तो अगर आज का डेटा देखें तो 1,306 पीपल दे हैव रिकवर्ड, दे हैव बीन क्योर्ड, और अगर एक दिन के अंदर देखें तो अराउंड 270 पीपल हैव एक्चुअली गॉट क्योर्ड इन लास्ट वन डे। अगर हम टोटल केसेस की संख्या इस देश में देखें तो 11,439 है, लास्ट वन डे वी हैड 1,076 टोटल एडिशनल न्यू केसेस, और टोटल डेथ रिपोर्टेड आर 377। तो जो मुख्य अंश मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि फील्ड लेवल पर एफर्ट करते हुए, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर फोकस करते हुए हमारा जो एफर्ट रहा है उसके कुछ रिजल्ट हमें दिखने लगे हैं। तो इसी डेटा से अगर आप कैलकुलेट भी करना चाहें, लेकिन साथ में मैं जब इसकी कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं तो मैं कह रहा हूं ये डेली वेरिंग डेटा है, तो ये आज का स्टेटस है। तो अगर देखें तो करीब 11.41% जो हमारे पेशेंट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली इस नंबर से 11.41 वो रिकवर हो रहे हैं, और ये प्रोग्रेस, ये नंबर और ये परसेंटेज अगर आप पिछले कुछ दिनों के डेटा को एनालाइज करें तो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो हमारा पूरा एफर्ट है कि जो भी पेशेंट आए हम उसको दोनों तरीके से, एक तो फोकस करें अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर और दूसरा फोकस करें कि उसका प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, उसको ढंग से मॉनिटरिंग करें और उसको किसी भी तरह से बचाएं। हमारे सामने समस्याएं रहती हैं हाई हेल्थ के जो हाई रिस्क प्रोफाइल लोग हैं या जो कोमॉर्बिडिटी से हैं, तो उसके लिए भी हमें पूरे एफर्ट करने कि हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। अनदर ऑनलाइन क्वेश्चन,
Can we have an updated list of all hotspots in the country, state-wise breakup? Sir, as I mentioned, मैंने आपको जो अभी तक identified hotspots हैं, जिसमें कि state level पर जहां rate of growth वाले हैं, जिसकी responsibility हमने states को दी है, उसको अगर consider करें तो 170 hotspots हैं, 170 hotspots, जो हमने state को communicate कर दिए हैं, और उसके साथ ही वो list आप लोगों को भी दी जाएगी। Let the list come and then I think. Sir, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया है, हमारे दो major criteria रहे हैं। एक criteria है कि जहाँ पर absolute number of cases ज़्यादा हैं। दूसरा criteria है, so मैं आपको फिर से explain करता हूँ, अगर आप मुझे बीच में ना रोक के मेरा पूरा सुन लें kindly। तो एक criteria है कि जहाँ पर absolute number of cases ज़्यादा हैं। दूसरा criteria है जहाँ पर doubling rate ज़्यादा है। तो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केसेस जहां पर ज्यादा है तो वहां पर आपको पता लगता है कि वहां पर फोकस्ड अटेंशन की जरूरत है, उसको हमने हॉटस्पॉट में डिक्लेयर किया है। साथ ही जहां पर डबलिंग रेट ज्यादा है या रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ केसेस ज्यादा है तो वहां पर भी हमें एक्स्ट्रा अटेंटिव रहने की जरूरत है, ताकि हमारी कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी उसी फोकस में काम कर सकें। उसके बाद जब ये हमने हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए, उसके बाद हम उस हॉटस्पॉट्स में बेस्ड अगर 15 से कम है, एक नॉर्मेटिव गाइडेंस के रूप में अगर आप लेके चलें, तो हम समझते हैं कि वहां पर एक क्लस्टर ऑपरेट कर रहा है और क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज के तहत उस पर एक्शन लिया जाए। अगर वहां पर 15 से ज्यादा है, और अगर मैं टेक्निकल वे में आपको बताऊं तो अगर वहां पर मल्टीपल क्लस्टर्स शुरू हो गए हैं तो हम उसको आउटब्रेक मानेंगे और आउटब्रेक मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के तहत काम किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, मिस्टर रजनीश, INS। सर, दिस इज रिलेटेड टू द सेम क्वेश्चन earlier answer. This is a please so, use mic. Yeah, the number of hot spots have been identified, as you said. Further, the testing process in these areas have been started rapidly or not so far? Sir, all the testing process in the country is as per the testing protocol. और उसके लिए चाहे वो outbreak हो, चाहे वो identified cluster हो, उनके डिटेल गाइडलाइंस के तहत ही वहां पर हम टेस्टिंग करते हैं, और उसके तहत ही हमारे जैसे कि डिफाइन है कि या तो हाई रिस्क पीपल हैं, या हमारे जो एसिम्प्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स विद हाई रिस्क हैं, या एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, इसके साथ ही जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल हैं जो हाई रिस्क में हैं, और साथ ही डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एरिया वी आर डीलिंग विद, वहां पर हमारे को फैसिलिटी लेवल पर अगर हमें एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस की टेस्टिंग करनी है तो उसके तहत हम कार्य करते हैं। सर, माय सेकंड क्वेश्चन इज होम मिनिस्ट्री रिगार्डिंग तबलीगी वर्कर्स, इज ऑल मेंबर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार और प्रोसेस इज स्टिल ऑन? ऑन दिस वी विल हैव टू गेट बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।